नमस्कार दोस्तों, गौरव दुबे की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेनॉल्ट काइगर की। रेनॉल्ट काइगर के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, जो भी रेनॉल्ट में आता है ड्राइवर काइगर देती है आपको, इन सब चीज़ों की आज बात करने वाले हैं। वैसे तो रेनॉल्ट काइगर के 5 वेरिएंट है, लेकिन आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं RX-Z वेरिएंट की, जो कि टॉप मॉडल है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी की की, तो आपको कुछ इस तरह की मिलती है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही मुझे तो, और बाकी लोगों का ओपिनियन रहता है कि किसको कैसी लगती है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक, लाइट और ये बूट। अगर इसको आप होल्ड करके रखोगे तो बूट अनलॉक होगा, ओपन नहीं होगा। फिर अब बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें कुछ इस तरह की DRL मिलती है। वीडियो में ब्लिंक हो रही है, लेकिन रियलिटी में ब्लिंक नहीं होती है। और ठीक नीचे इसी के आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं, ट्रायोक्टा LED हेडलैम्प्स इसको बोलते हैं। और इसमें रिफ्लेक्टर बेस्ड LED आती है, जो कि ठीक है टॉप मॉडल के हिसाब से, लेकिन अब इसका रात का थ्रो नहीं पता कैसे क्या थ्रो है। और कुछ इस तरह की आपको ग्रिल मिलती है, क्रोम ग्रिल मिलती है टोटल। और जो आपको यहाँ पर रेनॉल्ट का लोगो मिल जाता है। और नीचे से कुछ बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस कुछ इस तरह का है, जो कि काफ़ी है एक गाड़ी इस गाड़ी के हिसाब से। और अब बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में कुछ इसका व्यू ऐसा आता है, और ये डुअल टोन कलर में है। और अब बात करें इसके टायर प्रोफाइल की, तो टायर प्रोफाइल है 195/60R16, यानी कि आपको यहाँ पर 16 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स। और फेंडर पर ठीक आपको यहाँ पर वेरिएंट का नाम मिल जाएगा, यानी कि वेरिएंट लिखा मिल जाएगा RX-Z। और यहाँ पे जो आपको ORVM मिलेंगे, वो आपको पियानो ब्लैक फ्रेश में मिलेंगे, जिसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर सिल्वर रूफ रेल्स मिल जाती है, जो कि गाड़ी का व्यू बहुत अच्छा दिखाती है। और आपको यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया जाएगा। और कुछ इस तरह की आपको यहाँ डुअल टोन में दिया जाएगा, और पीछे से कुछ ऐसा व्यू आता है गाड़ी का। और आपको कुछ इस तरह के गाड़ी के टेल लैंप मिल जाएंगे, जो कि हेलोजन बेस हैं, LED नहीं मिलते इसमें। और आपको इसमें रियर डिफॉगर मिल जाएगा, रियर वाइपर मिल जाएगा, वॉशर मिल जाएगा, और शार्प पेन एंटीना मिल जाएगा इसमें। और पीछे कुछ बात करें तो ऐसी दिखती है पीछे से, थोड़ी सी जगह नहीं है इसलिए थोड़ी माफ करना। हाँ, और यहाँ पर आपको रियर सिल्वर स्किड प्लेट भी मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको 1, 2, 3 यहाँ पर आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है गाड़ी के लिए। और यहीं पर आपको फ्यूल टैंक ओपनर मिल जाएगा, और साइड से कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी। और इसमें एक फीचर अच्छा है, जैसे आप गाड़ी के पास जाते हैं तो गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर कीलेस एंट्री मिल जाती है, जैसे ही आप गाड़ी के पास जाओगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और कुछ इस तरह का आपको डोर पैनल मिल जाता है, सिंगल कलर में मिलता है, लेकिन ना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है फिर भी। और आपको यहीं पर डोर पैनल पर कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ORVM कंट्रोल्स, विंडो अप एंड डाउन, और एक और है जिसमें आपकी जो विंडो है फ्रीज हो जाएगी, यानी कि आप इसको दबा दोगे तो जो आपकी, अगर कोई गाड़ी में नहीं बैठा है तो वो विंडो नहीं खुलेगी। आपको यहाँ पर इतना कुछ स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप 0.5 लीटर की बोतल रख सकते हैं, और यहाँ को सामान भी रख सकते हैं। ठीक ऐसे ही आपको चारों दरवाज़ों में ये स्पेस मिलेगी बॉटल रखने के लिए। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फ्रेश में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, और ये डोर पकड़ने के लिए बहुत सही चीज़ है, मतलब पकड़ के आप लगा दो। और आपको ये डोर लॉक्स नॉर्मल स्टाइल में मिलते हैं। अब अपन आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं ऐसा कुछ डैशबोर्ड मिलता है देखने के लिए, जो कि एक बजट के हिसाब से ठीक है। और अब आप स्टीयरिंग की बात करें, तो स्टीयरिंग आपको ऐसी ही मिलती है, जिसमें आपको स्टीरियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं और MID कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और आपको ये पियानो ब्लैक फ्रेश में आपको देखने मिल जाती है। हाँ, और एक चीज़ और, ये आपको टिल्टेड मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है, यानी कि आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन देना चाहिए था इसमें भी। और बात करें इसकी MID की, तो आप इसका एनिमेशन देखना, बहुत बढ़िया एनिमेशन आता है जब इसको देख चालू करते हैं। अब आप देखना इसको, कुछ है ना ऐसे एनिमेशन आता है। और यहाँ आपको ORVM से वो ऑटो
फोल्डेबल नहीं मिलते हैं, यानी कि आपको बटन दबा के ही खोलने पड़ते हैं, वो बटन दबा के ही आपको बंद करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ ORVM के कंट्रोल मिल जाएंगे, जिससे आप अपने ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ORVM मिलते हैं यहाँ पर, जो कि ठीक है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो एक हिसाब से ठीक है। और आपको कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिख जाता है, जिसमें आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर सब कुछ दिखता है, और आपको MID कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ से ये चेंज होता है, इसमें आपको ट्रिप पता चल जाती है, AB और कुछ भी, और कुछ ये बटन दी हुई है जो कि ठीक है। आपको यहाँ पे राइट साइड फ्यूल गेज मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे टेम्परेचर गेज मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल और गाड़ी में कितना टेम्परेचर है। और आप देख सकते हैं कितना कुछ इसमें दिया गया है। हाँ, और इसमें आपको ड्राइव मोड भी, तीन ड्राइव मोड मिल जाते हैं, नॉर्मल, ईको और स्पोर्ट्स। तो अगर आप इसको ईको मोड, स्पोर्ट मोड पर करते हो, तो कुछ इस तरह का एनिमेशन आता है। अगर आप इसको फिर से नॉर्मल में करते हो तो यही आता है जैसे पहले रहता है, और अगर आप इसको ईको में चलाते हो तो कुछ इस तरह का एनिमेशन आता है, जिसमें आपको टैकोमीटर इस तरह का मिलता है डिजिटली। ठीक है, अभी नॉर्मल में आ चुकी है वापस। और बात करें स्टीरियो की, तो आपको यहाँ पर एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले सिस्टम मिल जाता है सपोर्टेड, और कुछ इस तरह के आपको AC वेंट दिए जाते हैं। ये सच देख रहे हैं, ये डिफॉगर के लिए, ये अपनी हैजार्ड लैंप के लिए, और ये वन प्रेस ऑल डोर लॉक सिस्टम है, जिसमें आप दबाएंगे तो पूरे डोर एक साथ लॉक हो जाएंगे और साथ में अनलॉक हो जाएंगे। आप इसके रिवर्स कैमरा की पिक्चर क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, ज़्यादा ठीक नहीं, फिर भी एवरेज है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर आपको दो ग्लव बॉक्स दिया जाता है, एक ऊपर एक नीचे, जो जिसमें स्पेस बहुत बढ़िया है। और नीचे बात की जाए तो नीचे में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसमें आपको कोई कमी होगी। और आपको यहाँ लाइट मिल जाती है, बटन लाइट की दिया गया है, जिसमें आपको जो यहाँ पे मोबाइल रखने की स्पेस दी गई है यहाँ पे जल जाती है, वो सिर्फ रात में दिखेगी, अभी नहीं दिखेगी। और यहाँ पे कुछ आपको डिफॉगिंग मोड मिल जाता है, लॉक अनलॉक वाला मिल जाता है, और अच्छी बात यह है कि आपको इसमें ऑटोमेटिक AC मिल जाती है, जो कि एक टॉप मॉडल गाड़ी के लिए अच्छी चीज़ है। आपको डे नाइट IRVM मिल जाएंगे, आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाएगा, लेकिन ये हेलोजन बेस्ड LED नहीं मिलते हैं। और आपको कुछ इस तरह के सनवाइजर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको कोई भी लैंप नहीं मिलता है। और अब बात करें इसके गियर्स की, तो कुछ इस तरह का आपको गियर मिल जाएगा, और हैंड ब्रेक भी आपको मिल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली हैंड ब्रेक नहीं है, ये नॉर्मल हैंड ब्रेक। और आपको यहाँ आर्नेस मिल जाता है, लेकिन बुरी चीज़ ये है कि आपको स्लाइड वाला नहीं मिलता है। और जो आपको यहाँ स्पेस दी जाती है, बहुत ही बढ़िया स्पेस है, कम से कम बहुत कुछ सामान आ जाता है, जिसमें आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट यहाँ मिल जाता है, USB, और स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ मिल जाता है, और नीचे ही 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। अब बात करें पीछे की, तो पीछे चलते हैं। अब इसकी रियर स्पेक्स की बात करें, तो पीछे कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें, जिसमें आपको स्लाइडेबल हेडरेस्ट मिलता है, और कुछ इस तरह की सीटें मिलती हैं, जो कि कंफर्ट में बहुत बढ़िया है, और आपको लेग रूम भी बहुत बढ़िया मिल जाएगा, इसमें आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। यानी कि मैं 6 फीट का बंदा हूँ, तो मेरे पैर में भी बिल्कुल नहीं लग रहा है, मतलब इतना स्पेस बचा है, और जो आगे की सीट है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। और बाकी आप डोर में देखें, तो यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा, ये ट्विटर मिल जाएगा, और ये अपनी पावर विंडो मिल जाएगी, और लॉक कुछ इस तरह का मिलेगा। और बात करें अगर सीट इसकी पूरी आगे हो, तो आगे कितना स्पेस बचता है, तो यहाँ पे बहुत स्पेस बचता है, यहाँ पे मतलब पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्पेस है। अब इसका हेडरूम भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा, और जो आपको हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल मिल जाता है। रेनॉल्ट टाइगर में आपको रियर AC वेंट मिल जाएंगे, और 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, आप इससे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। और जो इसकी सीट है, इसमें आपको मैगजीन होल्डर भी मिल जाएगा, और एक और
रियर रीडिंग लैम्प मिल जाएगा जो कि हेलोजन है, एलईडी नहीं है, और ये हमारे ग्राम हैंडल्स वैसे ही के वैसे ही हैं। अब बात की जाए इसके बूट स्पेस की, तो इतना डीप आपको बूट स्पेस मिलता है जिसके साथ आपको पार्सल ट्री ऑफर की जाती है। और बूट स्पेस आपको यहाँ स्क्रीन में दिख जाएगा कितने लीटर से, और यहाँ पर आपको टांगने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको लैंप नहीं दिया गया है, बूट लैंप नहीं दिया गया है। और ये आपको स्पेयर व्हील, यहाँ स्पेयर व्हील नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी ज़रूर देगी। ये डेमो कार है, डेमो कार में नहीं दिया है। और आप पीछे से देख सकते हैं ये हमारी ब्रेक लाइट हो गई है, और ये हमारा इंडिकेटर्स हो गया है, तो कुछ इस तरह है। और ये रिवर्स लाइट आपको यहाँ मिल जाएगी जो कि हेलोजन बल्ब है, और पीछे आपको रेनॉल्ट की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ आपको काइगर मिल जाएगा, साथ में यहाँ आपको डिफॉगर भी ऑफ़र किया गया है, एक ब्रेक लाइट ये भी दी गई है, और साथ में स्पॉइलर भी दिया गया है जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है गाड़ी के लिए। और यहाँ पर आपको मडगार्ड भी बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ी लूज़ है तो इसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है। एक चीज़ बताना भूल गया, तो और आपको थोड़ी गाड़ी का कलर भी चेंज दिख रहा होगा, वो क्यों है, ये रीज़न क्या है कि मैं थोड़ी देर बाद चला गया, फिर मुझे याद आया कि पार्किंग सेंसर यहाँ है, सॉरी यहाँ आपको रिवर्स कैमरा आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। रेनॉल्ट काइगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे ये समझ में आए कि जो यहाँ डिस्टेंस दिया है ना पेडल्स का, वो थोड़ा सा बढ़ा देते तो सही रहता, क्योंकि यहाँ से ब्रेक का कॉन्टैक्ट ज़्यादा दूर नहीं है, जिस वजह से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है ड्राइवर को। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको यहाँ तीन इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर मेंशन हो रहे होंगे। अब आप इसका इंजन देख सकते हैं, कुछ इस तरह का इंजन दिया जाता है इसमें, लेकिन जो स्पेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से फिट किया गया है। इसमें आपको 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, और जो इसका बोनट है भाई बहुत भारी है, मतलब उठाने में पूरी ताकत, दोनों हाथ से खोला तभी जाके खुला है। अब एक बार आपको इंजन नॉइस सुना देता हूँ कि इंजन नॉइस गाड़ी में कितनी क्या आती है, तो एक बार आप वो भी चेक कर लीजिए। इंजन नॉइस आप सुन सकते हैं कितनी आ रही है गाड़ी में, प्लस एसी भी चल रही है साथ में, तो आप देख सकते हैं मतलब ज़्यादा इंजन नहीं है। और आपको इसमें इंसुलेशन भी मिल जाती है जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, और बोनट के सॉरी अब अपन अंदर भी देखते हैं कि अंदर कितनी आवाज़ आती है इंजन की। अंदर जो इंजन नॉइस वो ज़्यादा फील ही नहीं हो रही है, लेकिन जो वाइब्रेशन है आप मतलब बैठे बैठे फील कर सकते हैं कि हाँ गाड़ी स्टार्ट है, तो ये थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन हाँ गाड़ी बहुत सही है, पावर है जो उसका बहुत बढ़िया है। अब इसकी टेस्ट ड्राइव अगली वीडियो में बनाऊँगा। आप इसकी हेडलाइट अभी चेक कर सकते हैं बंद गाड़ी में, जो आप शायद थोड़ी बहुत समझ में आ रही है उसकी, आप देख सकते हैं इसका थ्रो मतलब वाइट LED है, तो कितना समझ में आ रहा होगा। एक बार बाहर से और दिखा देता हूँ आपको, बाहर से हमें कुछ ऐसी लाइट दिखती हैं जो कि मतलब देखने में अच्छी भी लग रही है, थोड़ी ऐसी भी आ रही है। वैसे है तो ये सब 4 मीटर SUV, लेकिन फील नहीं आ रहा है जो उसमें बैठा हूँ ना, क्योंकि बोनट ही नहीं दिख रहा है यहाँ सामने बैठ के, जब 6 फीट का बंदा मतलब मान के चलो ठीक है बिल्कुल सीधे बैठो तब जाके इसमें बोनट दिख रहा है, लेकिन अब मैं अपने यहाँ से अपनी विजिबिलिटी बताता हूँ, मेरी आँखें यहाँ हैं तो, और मुझे देखो यहाँ से बोनट क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा इतना ऊपर उठ के अगर मैं चलाऊँगा सीधे होके तब जाके बोनट दिखेगा, लेकिन अगर ऐसे करके चलाऊँगा तो जो मेरा कम्फर्ट है वो पूरा चला जाएगा। तो अब फाइनली आते हैं इसकी कीमतों के ऊपर कि इसके एक्सशोरूम प्राइस क्या है जबलपुर के हिसाब से। जो इसके एक्सशोरूम प्राइस है जबलपुर मध्य प्रदेश के हिसाब से, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। तो अब वीडियो में कुछ बचा होगा तो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा।